हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार, उन्होंने क्या किया है पहले आइए जरा ये देखिए, क्यों वो लोगों की जिंदगियों के लिए एक मिसाल है। सड़क सुरक्षा योद्धा सम्मान से भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हेलमेट मैन ऑफ इंडिया को किया सम्मानित। ताज पैलेस होटल में रोड टू सेफ्टी शिखर सम्मेलन का आयोजन कॉन्टिनेंटल टायर्स टीवी 9 भारत की ओर से आयोजित किया गया था। 2025 तक भारत देश में सड़क हादसों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है परिवहन मंत्री ने। हेलमेट मैन ऑफ इंडिया रघुवेंद्र कुमार सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक छोटे बच्चों में शिक्षा और बड़ों में सुरक्षा का भाव पैदा किया है। लोगों का जान बचाने के लिए उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया, साथ ही अपनी परिस्थितियों से लड़ते हुए पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और आज उनके नाम पर कई रिकॉर्ड बन चुके हैं। 56,000 फ्री हेलमेट बांटकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया रघुवेंद्र कुमार, और उनके हेलमेट बांटकर देने के अभियान ने 29 लोगों को दुर्घटना से भी जान बचाई है, जिसकी सराहना संयुक्त राष्ट्र संघ काउंसिल के मेंबर भी कर चुके हैं। क्योंकि अब हम जिनको सम्मानित करने वाले हैं वो असल में उनके सम्मान से ज्यादा उस जिजीविषा को सलाम है जो उन्होंने अंधकार के मौके को अवसाद में बदलने के बजाय मिसाल में बदला है। तो सबसे पहले, और मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि ये चेयर भी आप प्लीज अगर यहां से जी, और एक छोटा सा संदेश मैं आप चारों को देना चाहता हूं सर, क्योंकि हम जिन हीरोज को यहां सम्मानित करने वाले हैं उनके बारे में एक छोटा इंट्रोडक्टरी फिल्म भी हम चलाएंगे, तो जब मैं उनको बुलाऊंगा और वो फिल्म चल रही होगी तो थोड़ा सा किनारे आकर आप उसको देखें। और तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारे साथ जो सबसे पहले जुड़ने वाले हैं, हमारे पहले मार्ग रक्षक कौन है, रोड सेफ्टी से जुड़ा हुआ कौन सा काम वो कर रहे हैं, हमारे मार्ग रक्षक हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार, उन्होंने क्या किया है पहले आइए जरा ये देखिए, क्यों वो लोगों की जिंदगियों के लिए एक मिसाल है। सड़क सुरक्षा से जुड़ी एक छोटी सी भूल कैसे हमारे अपनों को हमेशा के लिए हमसे दूर कर सकती है, इस बात को बेहद गहराई से महसूस किया है राघवेंद्र कुमार ने। साल 2014 में ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बाइक में सवार इनके सबसे खास दोस्त कृष्ण कुमार का अचानक एक्सीडेंट हो गया। हेलमेट न पहनने की वजह से उन्हें सिर पर गहरी चोट लगी। कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। अपने सबसे अजीज दोस्त के साथ हुए इस हादसे का राघवेंद्र के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा, जिसके बाद से ही इन्होंने टू व्हीलर्स का इस्तेमाल कर रहे लोगों को हेलमेट बांटने की मुहिम शुरू की। आज अपनी इस पहल को आगे बढ़ाते हुए राघवेंद्र फ्री हेलमेट के बदले गरीब बच्चों के बीच किताबें भी बांटते हैं। इनकी इस सार्थक कोशिश के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जहां शिक्षित हो रहे हैं, वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों के बीच जागरूकता भी बढ़ रही है। रोड सेफ्टी को लेकर हेलमेट मैन राघवेंद्र के अतुल्य योगदान को हमारा सलाम। हमारे मार्ग रक्षक हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार प्लीज मंच पर आएं। राघवेंद्र जी, रोड टू सेफ्टी को लेकर आपकी इस पहल ने आज हम सबको नई उम्मीदों से जोड़ा है, आपके हौसलों को हमारा सलाम। आ जाएं सर, अब मंच में बीचों बीच आप चारों प्लीज आ सकते हैं। इस तकलीफ के लिए मैं माफी चाहता हूं कि बीच में आप लोगों को अपनी जगह शिफ्ट करनी पड़ रही।